इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए लखनऊ से मौजूद हैं पैनलिस्ट बीजेपी नेता हैं अनिता अग्रवाल जी। अनिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सपा नेता हैं शिल्पी चौधरी जी। शिल्पी जी आपका भी स्वागत है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं सौमिता पांडे जी। सौमिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पी जी किसी एक 4 या 5 इंच के कपड़े या फिर 1 या 2 फीट के कपड़े से किसी की आवारगी कैसे रोकी जा सकती है? आवारगी व्यक्तित्व में होती है कि कपड़े में होती है? शिल्पी जी आपसे सवाल। मुझे नहीं लगता कि किसी के चरित्र पे इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और बल्कि बहुत सारी चीजें तो चोरी छुपे ही की जाती हैं। व्यक्ति का अपना किरदार किसी कपड़े का मोहताज नहीं बिल्कुल होता। सही कहा। ऐसा नहीं है कि कोई छोटे कपड़े पहने हैं तो वो चरित्रहीन हो गया, और कोई 5.5 मीटर साड़ी या पूरे बुरके में है तो वो बहुत चरित्रवान हो गया। कुल मिलाकर ये प्रश्न ये पितृसत्तात्मकता के सूचक हैं और कुछ नहीं है। इसको किरदार से जोड़ना या शफीकुर रहमान फिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? उनका अपने व्यक्तिगत राय होता है। सपा का सांसद होने के नाते उनका एक स्टेटमेंट पूरी सपा पार्टी का भी स्टेटमेंट की तरह देखा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय को आप राजनीतिक पार्टी की राय नहीं बना सकते। समाजवादी पार्टी में असंख्य महिलाएं हैं जो हर धरने प्रदर्शन मूवमेंट में बराबरी से शरीक होती है, न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम बहनें भी। और ऐसा नहीं है कि वो बेपर्दगी में आती हैं। तो इसको आप इस तरह से समाजवादी पार्टी से नहीं जोड़ सकते। सांसद जी का ये अपना व्यक्तिगत विचार है। तो समाजवादी पार्टी ने इस बयान से खंडन भी तो नहीं किया कि उनसे उनके बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते? समाजवादी पार्टी देखिए किसी के व्यक्तिगत चीजों का खंडन क्यों करने लगी? और समाजवादी पार्टी इस समय कितने क्राइसिस से गुजर रही है, उस समय ये जो मुद्दा है ये कोई ऐसा मुद्दा है? हम बेरोजगारी की बात ना कर रहे हैं, हम महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, हम महिला सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिजाब की बात कर रहे हैं। ये कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है जिससे राष्ट्र जो है एकदम खतरे में आया जा रहा है। हमें युवाओं की बात करनी चाहिए। जब ये मुद्दा था ही नहीं तो फिर जाहिर सी बात है फिर क्यों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसे ले लेके घूम रहे हैं सब लोग? तो जो गए हैं, नहीं ये व्यक्तिगत लोग गए हैं, कोई पार्टी विशेष नहीं गई है और उत्तर प्रदेश में नहीं गई है। मैटर तो है ना मैम, मैटर हुआ करे, मैटर तो बहुत सारे होते हैं। मैटर तो एक सती प्रथा का भी एक बहुत बड़ा मैटर था। कुरीतियां हैं और कुरीतियां हटने में समय लगता है। हिजाब का मुद्दा सिर्फ भारत का नहीं है, इंक्लूड किया बिल्कुल, ये कुरीति में है। हिजाब का मुद्दा केवल भारत का मुद्दा तो नहीं है ना। आप देखिए ईरान जो 60 के दशक में प्रगतिशीलता का सूचक था, जहाँ की महिलाएं जींस पहनती थी, शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी 60 के दशक में, वो उसके बाद कट्टरवाद की चपेट में आया, कट्टरपंथ की चपेट में आया और महिलाएं वहां पर बुरके अबाया और हिजाब की शरण में गई। आज वहां की महिलाएं हिजाब को न सिर्फ जला रही हैं, अपने बाल काट रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रगतिशीलता की बात है और ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, ये मुद्दा महिलाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का ये मुद्दा नहीं है। जहां पर आज इसका राजनीतिकरण हो रहा है, जैसे कि कर्नाटक, अभी इससे पूर्व की डिबेट में भी मेरा यही कहना था कि बच्चियां अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इस मुद्दे को लेके, तो ये समझने वाली बात है कि वो बच्चियां नहीं पहुंची हैं। कोई ना कोई ये राष्ट्रीय मुद्दा मैम ऐसे बन जाता है, ये आपसे और हमसे ताल्लुकात ये ऐसे रख लेता है, क्योंकि जब ये कर्नाटक में विवाद पहुंचता है तो लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी गिरोह भी ये बोलते हैं कि भारत ने ऐसा किया तो अंजाम भुगतना होगा। बात जब वहां पहुंच जाती है, जब पाकिस्तान जैसे देश इस पर अपना स्टेटमेंट देते हैं, तो ये बात नेशनलिस्ट वाली बात हो जाती है। फिर ये मुद्दा एक वर्ग विशेष या फिर कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह जाता। आपने खुद कहा, मैं यहाँ भारत की नहीं, मैं तो ईरान या किसी भी धर्म आधारित देश की बात आप कर लीजिए, कट्टरपंथ से किसी का भी भला नहीं हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज किन हालातों से गुजर रहा है, ईरान अफगानिस्तान का क्या हाल हो रहा है। भारत धार्मिक देश नहीं है, भारत सेक्युलर है, धर्म निरपेक्ष देश है। तो हम यहाँ पर अपने धर्म निरपेक्षता को लोकतांत्रिक तरीकों से बचाने की बात करेंगे ना, हमारी उनसे क्या तुलना है? वो तो आतंकवादी संगठन है, वो जो चाहे वो करें, लेकिन उससे हम उनसे सहमति थोड़ी ना कर देंगे। ठीक है। अब अनिता जी, जिस तरह से जो ये विवाद निकल कर आ रहा है सामने,
और उसमें बीजेपी की भूमिका इसमें आग में घी डालने वाले के काम कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है और अन्य पार्टियों का कहना है। आप इसमें कितना सहमत हैं? बीजेपी इसे क्यों इतना बढ़ा चढ़ाकर या फिर इसे धर्मों से जोड़कर देख रही है? अनीता जी, अनीता जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, अनिता जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जरूर हैं, सौमिता जी। सौमिता जी, इस पूरे मामले को किस नजरिए से आप देखती हैं? समाज इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखता है? जहां तक ये मुद्दा है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जरूरी मुद्दा नहीं है, ये बेहद जरूरी मुद्दा है, क्योंकि महिलाएं जो है वो भारत की आधी आबादी है, और जब हम उनके राइट्स की, अधिकारों की बात करते हैं, उनकी चॉइस की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा बन जाता है। दूसरी बात, इसका एक और भी नजरिया है, वो ये है कि जहां भारत एक सेकुलर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, वहीं वो एक मल्टी कल्चरल देश भी है, जहां पे हम बहुत सारी हमारी सभ्यताएं हैं, संस्कृतियां हैं, और वहीं पे हमारा एक संविधान भी है, जो संविधान हमें राइट टू चॉइस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, इन सारी चीजों का हमें अधिकार देता है। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा, ये कहना गलत होगा कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है या बहुत जरूरी नहीं है, ये मुद्दा जरूरी है। मगर अब मसला ये है कि जो लड़कियां हिजाब पहनना चाह रही हैं या नहीं पहनना चाह रही हैं, तो देखिए, क्योंकि संविधान ने ये प्रावधान बना रखा है कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें राइट टू प्राइवेसी है, हमें राइट टू चॉइस है, जहां पर ये सारी चीजें हमारे देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के साथ वो नहीं करती हैं, किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं पैदा करती हैं, वहां तक हमें इन सारी चीजों का हमें अधिकार है। तो जब हमें ये अधिकार है और हम आज इस मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें ये हिजाब पहनने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि हम अपने देश में बेटियों को, महिलाओं को इस तरह के माहौल में बड़ा करें वो कि वो खुद एक इन्फॉर्म चॉइस का डिसीजन लेने में वो अपने आप में सक्षम हो जाए, बजाय कि हम ये तय करें या समाज के जो कुछ लोग हैं या जो हमारा पितृसत्तात्मक समाज है वो ये तय करें कि वो हिजाब पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। क्योंकि देखिए, कई जगह जो हिजाब है वो उनके लिए लिबरेशन या उनके लिए आगे बढ़ने का भी एक वो है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां से ये लड़कियां हिजाब पहन के ही घर से बाहर निकल सकती हैं, और कई जगह ऐसी भी हैं जहां पे ये लड़कियां या जो महिलाएं हैं वो क्योंकि पढ़ी लिखी है, वो असर्टिव है, तो वो ये तय करती हैं कि वो हिजाब पहनेंगी या नहीं पहनना चाहती हैं। तो जहां तक ये मुद्दा हिजाब का है, स्कूल एक सेकुलर संस्था है, उसके अपने कुछ कायदे कानून होते हैं, यहां तक बात ठीक है, मगर इसके बियॉन्ड जब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, तो ये जो राइट है, ये राइट टू चॉइस है, और ये मुझे लगता है कि उन महिलाओं या उन लड़कियों का अपना विशेष अधिकार होना चाहिए कि वो पहनना चाह रही है या नहीं पहनना चाह रही है। नहीं, वो तो सही बात है, बिल्कुल होना चाहिए कि वो क्या पहने क्या नहीं पहने, लेकिन स्कूल में आप नहीं थोप सकते। और सेकुलरिज्म की, जैसे कि आपने कहा कि हमारा देश सेकुलरिज्म वाला देश है, लेकिन जब कोई एक नेता या कई नेता ये कह रहे हैं कि इस्लाम से देखो छेड़छाड़ नहीं होगी, इस्लाम में आप दखलंदाजी नहीं करेंगे या इस्लाम को छुएंगे नहीं, इस्लाम से दूर रहेंगे, फिर हम चाहे कुछ भी करें, तो फिर ये सेकुलरिज्म कहां से, कैसा सेकुलरिज्म हो गया फिर ये? देखिए, तो ये ठीक बात है कि हिंदुस्तान के कानून ने, हिंदुस्तान के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम जिस भी धर्म के हों, हम उसकी जो भी उसके रीति रिवाज हैं, हम उनको फॉलो करें, मगर हमारा संविधान दूसरी तरफ ये भी कहता है कि ये कोई भी कायदा कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कि ट्रिपल तलाक को बैन किया गया, तो फिर ये बात तो वहां भी लागू हो सकती थी ना, कि ये तो इस्लाम का कायदा कानून है, आप इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मगर जो भी चीज हमारी आधी आबादी के खिलाफ है, जो उनके अधिकारों के खिलाफ है, जो उनकी तरक्की के खिलाफ है, हर वो चीज हमारे देश के खिलाफ है, ये एक बिल्कुल सीधा सा स्टेटमेंट है, जो हमारा संविधान, हमारा कानून और हमारा जो लॉ ऑफ लैंड है, वो हमें ये इस बात का हमें अधिकार देता है कि हम खुद तय करेंगे कि हम क्या पहनना चाहते हैं, क्या नहीं पहनना चाहते। अनिता जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही है? अनिता जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ठीक, अनिता जी से फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। शिल्पी जी, जिस तरह से आपने जो बात रखी बड़ी बेबाकी से, वो बात जाहिर है कि जो नेताओं ने बयान दिए हैं उन नेताओं से तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि आप भी उस पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है पार्टी की आप राय यहाँ पर रख रही, ना कि अपनी राय यहाँ पर रख रही होंगी। तो जाहिर है शिल्पी जी कि
आप इस पूरे मामले पर सपा का स्टैंड क्या है, बीजेपी को छोड़ दीजिए वो इस मुद्दे को क्या कर रहे हैं, आप इस पूरे मामले को, सपा पार्टी इस पूरे मामले को कैसे देखती है? देखिए मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं नेता हूं और मैं सड़क पर हर धरने हर प्रदर्शन में रहती हूं और मेरी राय मेरी पार्टी की राय है और मेरी राय माननीय नेताजी स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की राय है जिन्होंने हमेशा महिलाओं को ये सम्मान दिया कि वो आगे की पंक्ति में आकर बैठी। समाजवादी पार्टी में उन्होंने पूलन देवी जैसी सदस्यु को सांसद बनाया और एक बार नहीं दो दो बार बनाया। सो महिला विरोधी कोई भी बात हमारी पार्टी के लाइन नहीं हो सकती। मैंने फिर से कहा कि ये व्यक्तिगत विषय है, उनका अपना पर्सनल कुछ भी कहना हो, वो अपने लोगों के बीच में है, वो कहां ये बयान दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, ये उनकी अपनी व्यक्तिगत चॉइस है, मगर ये समाजवादी पार्टी की पार्टी लाइन नहीं है। ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि ये पार्टी लाइन नहीं होगी, पर ऐसे कुछ नेताओं के ऐसे विवादित बयानों से पार्टी की छवि खराब होती है, ये आप मानती हैं? नहीं, कोई कोई हाँ बिल्कुल खराब होती है, हमें जवाब देना पड़ रहा है ना, जैसे आपको देना पड़ रहा है। लेकिन पूर्व में भी शायद बर्क साहब या शफीकुर रहमान साहब ने ही कुछ तभी ऐसा बयान दिया था और तब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं और उस नाते वो व्यक्तिगत रूप से क्या बयान देते हैं देने दीजिए, लेकिन ना पार्टी उस लाइन पे चलती है ना हम उस बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो बहुत सारी जगह पर ये है कि अब कह रहे हैं अब हम उसको उनको मना नहीं कर सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता में, क्योंकि देखिए जो सौमित्रा जी ने कहा कितनी अच्छी बात थी कि ये बात जो है महिलाओं के हक की है, ये मैं आप इसको समाजवादी पार्टी से अलग रख दीजिए, ये महिला के हक की बात है, ये पितृसत्ता से लड़ाई की बात है। महिलाएं जो उन्होंने दोनों बातें बहुत अच्छी कही कि उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारी जगह महिलाएं बुरके और हिजाब में ही बाहर निकलकर पढ़ाई हासिल कर रही हैं, पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको अधिकार और आत्मनिर्भर हो रही हैं, स्वाभिमान आ रहा है, अंदर मजबूती आ रही है और उसके बाद वो कहती है कि नहीं मुझे पहनना है, जैसे ईरान में हुआ और यहाँ पर भी होता होगा। तो हमें महिलाओं की दशा का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कुल मिलाकर के जो सौमित्रा कह रही थी कि आधी आबादी सशक्त कैसे हो, मान लीजिए कि वो इससे सशक्त होती है। और मैं कभी भी इत्तेफाक नहीं रखा है मैंने हिजाब के मामले में, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ पूर्व से और बहुत लंबे समय से मेरा काम रहा है और मेरा बड़ा विरोध रहा है इस बात पर कि नहीं आप बच्चों को आप इतना प्रोटेक्ट क्यों कर दे रहे हैं कि आप उनको हवा और धूप भी नहीं लगने दे रहे हैं। वो बच्चियां जब कल को हवा और धूप में जाएंगी तो वो कहेंगी अरे मेरा तो हार्ट टैन हो रहा है और मुझे गर्मी बहुत लग रही है और मुझे ये हो गया। तो हम एक नेचुरल व्यक्ति को एक नैसर्गिक जो वातावरण है वो क्यों नहीं देते हैं? बिल्कुल, पर शिल्पी जी ये राइट टू चॉइस जो बात आ रही है पर वो स्कूलों पर लागू नहीं होती? नहीं बिल्कुल नहीं लागू होती। स्कूल में यूनिफॉर्म का अपना एक नियम है, हर एक जगह का एक नियम होता है, जैसे हमारी समाजवादी पार्टी में हमारा नियम है कि हम सर पर लाल टोपी रखेंगे तो रखते हैं, राइट टू चॉइस है। जैसे मैं साड़ी पर भी ये काली जैकेट पहनती हूँ, कोई महिला नेता नहीं पहनती, सुषमा स्वराज जी पहनती थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी में तो मैं हूँ जो पहनती हूँ, तो ये मेरी राइट टू चॉइस है। लेकिन ये राइट टू चॉइस वो महिला या वो पुरुष तय करेगा जिससे पहनना है, ना कि दूसरे लोग तय करेंगे। ये तय करने का अधिकार उस व्यक्ति का होना चाहिए कि मुझे क्या पहनना है, जब तक कि वो अश्लील ना हो, उससे शांति भंग की कोई अंदेशा ना हो, आप कैसे तय कर रहे हैं कि आपको क्या पहनना है? बिल्कुल। और ये बयान जो है व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, इनका पार्टी लाइन से बिल्कुल, मैं फिर से कहूंगी कि पार्टी लाइन से इसका कोई लेना देना ठीक है नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी एक मुद्दे पर चाहे वो सपा हो या फिर समाजवादी कार्यकर्ता हो या फिर सपा नेता हो एक मत पर हैं और आप लोगों की बेबाकी से जो राय रखी जा रही है वाकई लग रहा है कि महिलाएं वाकई ऊपर उठ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा गर्व फील होता है जब आप लोग सब एक मत पर, जब महिलाओं की बात आती है कोई अधिकार की बात आती है और एक मत हो जाते हैं। हालांकि कोई यहाँ से उस धर्म से जुड़ी कोई महिला नहीं है तो शायद ज्यादा अच्छे से कॉन्वर्सेशन हो पाता। लेकिन एक बार फिर से अनीता जी आप तक आवाज आ पा रही है? अनीता जी बार बार जुड़ी है लेकिन नहीं हमारे साथ जुड़ पा रही। बात कहूंगी कि देखिए ये महिला की बात है, ये एक वर्ग की बात है, एक लिंग की बात है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से अगर विरोध होता है कि नहीं फलाने सही कह रहे हैं और ढिमकाने गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि एक महिला के तौर पे मेरी लड़ाई तो पुरुष से है, मेरी लड़ाई एक महिला से नहीं होनी चाहिए। मैं तो महिला अधिकारों के लिए लड़ूंगी, मैं क्योंकि हमें अधिकार लेने हैं,
बिल्कुल, अगर हिंदू महिला कोड बिल ना होता तो महिलाओं को अधिकार ही नहीं थे। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी तरीके से अब जो करवट आ रही है ईरान में, इतने बड़े लहर असंतोष की जो फैली है उसको लेकर पितृसत्ता में खलबली है। बिल्कुल, उसे भी ईरान ही नहीं है जो ऊटपटांग, फ्रांस और बहुत सारे अफ्रीकी देश, यहाँ तक के जो बहुत गरीब देश है वो भी इसकी मांग उठाने लग गए हैं। सूडान उडान में भी ये मांग बहुत उठ रही है। अनीता जी एक बार हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अनीता जी, हमारे साथ शिल्पी जी भी हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुमिता जी। शिल्पी जी का भी साफ कहना है कि उनके जो नेताओं ने, वरिष्ठ नेता जो भी हैं, उनका जो भी स्टेटमेंट रहा निजी स्टेटमेंट है, पर समाजवादी पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती और उनकी डिक्शनरी में ऐसे कोई वर्ड्स है ही नहीं। तो बीजेपी में जरूर कुछ विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को थोड़ा सा घी डाल के धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रही है। हमें ही नहीं समझ आती दीपक जी, बीजेपी क्यों रुक देगी? इन्हीं के नेता कहा करते थे पहले गलतियों लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, अब इन्हीं के हमेशा हिजाब पे अब आ रहा है, लड़कियों पर हिजाब डालना नहीं लगाएंगी तो आवारा हो जाएंगी। सब बातें अच्छी लगती है क्या? उनके अपने घर में बेटियां नहीं है और जो हिजाब नहीं पहनती क्या बेशरम होती है क्या? हमारी बहुत सी ऐसी फ्रेंड्स है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल आराम से चलते हैं, आराम से रहते हैं। इस तरह की बातें करना कितनी मतलब गलत है। नहीं अनीता जी, सुनने में खराब लगता है उनको, कहने में खराब लगता है। हमारे साथ उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने जो कहा वो कहीं से भी कहीं तक सही नहीं है। अरे जो जैसी सोच होती है आदमी वैसे कह देता है, उसके बाद खंडन करता है, फायदा क्या? इनकी सोच तो यही है ना, इनकी इनका मानना तो यही है ना। और बीजेपी क्यों, बीजेपी ने तो इनको कहा नहीं कि आप ऐसी बात करो तो हम लोग घी मिर्ची लगाएंगे। ये लोग खुद ही ऐसी बात कर रहे हैं ना, उसमें तो पूरा समाज इसके खिलाफ है कि गलत कह रहे हैं वो। भाई लड़कियां, सबकी लड़कियां बराबर होती है, चाहे वो उनकी हो चाहे हमारी हो चाहे किसी की हो, किसी भी लड़की पे कोई भी उंगली उठाना गलत है। ठीक है, हम लोग को सुनने में खराब लग रहा है और उनको बोलने में खराब नहीं लगता है, कह गए वो। ठीक है शिल्पी जी, कुछ बोलना चाह रही जी शिल्पी जी। अनीता जी से मेरा एक सवाल है, अगर शफीकुर रहमान साहब का बयान, निजी बयान समाजवादी पार्टी की लाइन है, तो उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता बंशीधर भगत जी ने कहा है कि अगर आपको विद्या चाहिए तो सरस्वती को पटाइए और धन चाहिए तो लक्ष्मी को पटाइए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन समझा जाएगा इसको? देखिए ये मेरी बात सुन, एक मिनट, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको पटाए ऐसा, उन्होंने लक्ष्मी और सरस्वती की भले कोई बात पटाने वाली बात नहीं होती है ना, कोई ऐसा कहता है? पूरे बयान है, हमने ये बात नहीं सुनी है, नहीं हमने नहीं सुनी है। आप शिल्पी जी, शिल्पी जी अगर आपके सांसद की बात आपको लगता है कि गलत है तो सांसद से कोई सार्वजनिक माफी मांगी? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि मुझसे गलती होगी, हमने माफी मांगते हैं, हमने गलत बोल दिया गया? क्यों नहीं बोला आपके सांसद ने? क्यों नहीं बोला इस बात को? शिल्पी जी बंशीधर भगत जी ने उसके दूसरे ही दिन मीडिया में सार्वजनिक रूप से आके माफी मांगी है और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर हम जो होते हैं अपनी माँ को जैसा समझते हैं, तो वहाँ ऐसे पटाने का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं तहे दिल से अपने शब्द वापस लेता हूँ, सम्मान, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया? नहीं उन्होंने कहा होगा, मैंने तो नहीं सुना, जैसे अनीता जी कह रही थी उन्होंने नहीं सुना। देखिए अभी आप मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेरे नेता का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई माफी मांगना हो आप उनसे मांग, अरे आपके सांसद माफी मांगेंगे ये बताइए हमें? अरे आप माफी मांग लीजिए अपनी तरफ से, आप मांग लीजिए, अरे आपके सांसद ने जो कहा है माफी मांगेंगे? नहीं, शिल्पी जी उन्होंने माफी मांगी है, मैं एक न्यूज एंकर हूँ, मैंने वो खबर पढ़ी है, उनकी बाइट सुनी है मैंने, एक बार नहीं कई बार। और रही बात उनकी, जैसे कि आपने कहा उनका निजी, वहां पर जो कांग्रेस थी वो पूरी भड़की उत्तराखंड में उन पर चढ़ गई कि इस तरह से आपने स्टेटमेंट कैसे दिया है और उन्हें माफी मांगनी पड़ी, चाहे भले ही अब ऐसे में देखा जाए तो उनका भी व्यक्तिगत मामला था, व्यक्तिगत राय थी, तो ऐसे में शायद उन्हें भी आपको दबाव बनाना चाहिए, सपा पार्टी को दबाव बनाना चाहिए उन पर कि आप इस चीज का, समाजवादी, स्पष्ट मैं कह दूं समाजवादी पार्टी अपने इस समय सबसे ज्यादा बुरे समय में है। नेताजी अभी गए हैं, अभी उनका शांति पाठ नहीं हुआ, 10 दिन नहीं हुए, 11 दिन नहीं हुए, हम 13 ही तक नहीं कर रहे हैं, हम अपने सारे सार्वजनिक कार्यक्रमों को रद्द कर चुके हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक्तिगत बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं, समय आएगा इसके बारे में भी बात होगी।
नहीं वो आपकी पार्टी पार्टी एक दुख की घड़ी से गुजर रही है, मैं समझ सकता हूँ, पर पार्टी का अपना एक प्रोटोकॉल होता है शिल्पी जी। खैर आप वो बात अलग है। सौमिता जी मैं राजनीति से सांसद हैं, मेरी बात सुन लीजिए, सांसद हैं, उनको कोई भी निर्देश जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं देंगे, उनको जो भी निर्देश देंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय किस मनोदशा में है आप और हम सब जानते हैं। मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि जो मैं कह रही हूँ उसे मेरी पार्टी लाइन माना जाए, ठीक है, वो माफी मांगे ना मांगे, वो हालांकि वहां पर जो पार्टियां हैं वो दबाव बनाए नहीं बनाए, वो माफी मांगे नहीं माने, आप दोनों पार्टियों का मामला है। हालांकि वो सौमिता जी जिस इस तरीके से पूरे मामले को, ठीक है शिल्पी जी आपकी बात पहुंच गई दर्शकों तक, सौमिता जी जिस तरीके से जिस तरह से पूरा माहौल चल रहा है, अन्य देशों में भी जिस तरह से माहौल चल रहा है, लड़कियां कुछ पहनना चाहती हैं कुछ में नहीं पहनना चाहती, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये उनके चॉइस का मामला है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को थोड़ा सा बहकावे में उन्हें ऐसे एटमॉस्फेयर दे दिया जाता है कि देखो ये तुम्हारा हिजाब है, और अगर हिजाब पे बात आती है तो दैट मीन्स हमारे धर्म पे बात आ जाती है, तो फिर वो हिजाब को कंपल्सरी मानने लगते हैं, भले ही वो इससे पहले हिजाब को इतना नेसेसरी नहीं मानती, क्योंकि अब धर्म की बात उन्हें पढ़ा दी गई है, बता दी गई है, देखो आज हिजाब पे बात आई कल धर्म पे आ जाएगी, तो ऐसे में शायद लड़कियां थोड़ा सा और इसकी तरफ प्रोटेस्ट करती हैं। देखिए जहाँ तक धर्म का मसला है, पहली बात ये बहुत निजी मसला भी है और बहुत संवेदनशील मसला भी है, मगर फिर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एकेडमिक से ताल्लुक रखने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि धर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं समय कम है तो कम शब्दों में बात पूरी कीजिएगा। जी 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 जो कहीं जो धर्म में कहीं किसी और तरीके से गई है, मतलब वो इंटरप्रेट अलग तरीके से की गई है और लोगों तक पहुंचाई अलग तरीके से गई है, तो ये सारी चीजों का लब्बोलवाब ये है कि अगर हम, क्योंकि हम एक डेवलपिंग नेशन है अभी, और हम जब डेवलपिंग से डेवलप की तरफ हमें जाना है तो उसका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा एजुकेशन होना चाहिए। तो जो हमारे यहाँ छोटी लड़कियां हैं, अगर हम उन्हें इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह का माहौल देते हैं जहाँ पे वो पढ़ें, उनका एक्सपोजर हो, वो अलग अलग संस्कृतियों को समझें, जाने, उसको रीजन, लॉजिकल रीजनिंग उसकी करें, जब हम ऐसी कंडीशनिंग उनकी कर पाएंगे तो जब वो शायद इस लेवल तक पहुंचेंगी, जब वो टीन एज में या कॉलेज गोइंग गर्ल्स बनेंगी, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा असर्टिव होंगी, वो डिसीजन लेने में ज्यादा सक्षम होंगी, ज्यादा परिपक्व होंगी, और तब उनकी ये राय ज्यादा मुझे लगता है मुकम्मल रहेगी कि उन्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किस तरह की पढ़ाई पढ़नी है, किस तरह की नहीं पढ़नी है, पितृसत्तात्मक सोच के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी है। उम्मीद है कि ये फैसला लड़कियों के पक्ष में ही आए कि आखिर वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती, साथ ही साथ में किसी भी धर्म को आहत भी ना हो या ठेस भी ना पहुंचे, और जो चाहे वो नियम हो कि स्कूलों का या कॉलेजों का वो भी बना रहे, कुछ हो सकता है कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही निर्णय सबके सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी आपका, सौमिता जी आपका और अनिता जी आपका भी इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से पूरे विश्व में कुछ देश स्पेशली अभी भी इस हिजाब की आग में उबल रही हैं, वहां की लड़कियां लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं कि ये उनकी चॉइस का मामला है, तो वहीं भारत में भी कर्नाटक से उठा ये विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। हालांकि जो दो जज की बेंच है वो आपस में एकमत में नहीं है, अब देखने वाली बात होगी कि CJI के द्वारा आखिर ये बड़ी बेंच को ये पूरा मामला सौंपा जाता है, फिर इस पर क्या निर्णय आता है क्या नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से उन लड़कियों का पक्ष है, एग्जाम नजदीक है, ऐसे में इस पर फैसला जल्दी आना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।